हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं अबाउट द मून। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी में मीनिंग समझेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। आई होप आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है सो प्लीज़ जाइए और देखिए, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट टूडेज स्टोरी। The beautiful moon means have you ever means क्या आपने कभी dreamed means सपना था of going जाने का to the moon means चांद पर। आपका कभी सपना था चांद पर जाने का। In July 1969 two American astronauts walked on the moon. Two means दो, American means अमेरिकी, astronauts means अंतरिक्ष यात्री, walked means चले थे, मून पर चले थे, on means पर, the moon means चांद पर चले थे। Their names were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Their means उनके, क्योंकि दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए हमने यूज करा है their, their वाला their। Names means नाम, were means थे, Neil Armstrong and means और Buzz Aldrin. If you visited the moon today, if means अगर, you means आप, visited means कहीं पर जाना किसी चीज़ के सर्च के लिए, तो मतलब गई, visited means गई। The moon today, moon means चांद, today means आज। You would still be able to see their footprints. You means आप, would means पाएंगे, still means अभी भी, able means योग्य, किसी चीज़ को देखने योग्य, to see means देखने या देखकर, उनके, their means उनके, footprints means पैरों के निशान, आप अभी भी उनके पैरों के निशान देख पाएंगे, कहाँ, मून पर। They also left the American flag. They means उन्होंने, दो लोग थे तो दो लोगों के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा के लिए दे। ऑल्सो मीन्स भी, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, द अमेरिकन फ्लैग मीन्स अमेरिकी ध्वज, एंड मीन्स और, द लिटिल कार मीन्स छोटी कार। दे ड्रोव मीन्स जो वे चलाते थे, कॉल्ड द लूनर रोवर, कॉल्ड मीन्स जिसे कहा जाता है लूनर रोवर। When the astronauts went to the moon, when means जब, the astronauts means अंतरिक्ष, astronauts means अंतरिक्ष यात्री, went means गए, to the moon means चांद पर, they means वे, needed, need means क्या होता है, ज़रूरत, तो ये ed means थर्ड फॉर्म है, ज़रूरत थी, to wear पहनने की space suit, ठीक है, जो मून पर पहना जाता है space में, and और helmets, to protect them, protect means बचाना, सुरक्षा, ठीक है, टू प्रोटेक्ट सुरक्षा दैम उनकी सुरक्षा के लिए, अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा के लिए उन्हें स्पेस सूट और हेलमेट पहनने की ज़रूरत थी। बिकॉज क्योंकि समटाइम्स द मून इज वेरी कोल्ड, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, द मून चांद इज है या होता है वेरी बहुत कोल्ड, बहुत ठंडा, एंड और At another times it is very hot. At other means दूसरे समय, it is यह, very बहुत, hot means गर्म। The helmets help them breathe because there is no air on the moon. Helmet help means मदद करता है, them उनकी, breathe means सांस लेने में,
बिकॉज क्योंकि देयर वहाँ इज मीन्स है नो मीन्स नहीं एयर मीन्स हवा ऑन द मून चांद पर क्योंकि वहाँ हवा नहीं है चांद पर डिड यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं दैट मीन्स कि इफ यू वेटेड 60 kg ऑन अर्थ इफ मीन्स अगर यू आपका वेट मीन्स वजन 60 किलो है पृथ्वी पर ठीक है ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर यू वुड वेट ओनली 25 kg ऑन द मून यू वुड मीन्स आप पाएंगे या हो जाएंगे ठीक है आपका वजन हो जाएगा होगा ओनली मीन्स केवल 25 किलो ऑन द मून चांद पर एंड और इफ अगर यू वेंट फॉर अ वॉक ऑन द मून यू आप वेंट मीन्स गए फॉर अ वॉक टहलने के लिए फॉर मीन्स के लिए ऑन द मून मीन्स चांद पर यू वुड मीन्स आप पाएंगे बाउंस विद ईच स्टेप ना आप करेंगे बाउंस मीन्स उछलेंगे जंप करेंगे विद मीन्स के साथ हर स्टेप के साथ आप उछलेंगे सम पीपल से द मून इज मेड आउट ऑफ स्विस चीज बिकॉज देयर आर होल्स मीन्स सम पीपल मीन्स कुछ लोग से मीन्स कहते हैं द मून मीन्स चांद इज मेड मीन्स बना है आउट ऑफ मेड आउट मीन्स बना हुआ है ऑफ मीन्स का स्विस पनीर का स्विस चीज मीन्स स्विस पनीर बिकॉज क्योंकि देयर आर होल्स क्योंकि वहाँ आर मीन्स है होल्स छेद अब देखो आर क्यों लगा है क्योंकि होल्स होल्स हैं तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर लगा है कॉल्ड जिन्हें कहा जाता है क्रेटर्स ऑन द मून ठीक है ऑन मीन्स पर चांद पर हेयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द मून हेयर मीन्स यहाँ इज मीन्स है अनदर दूसरी बात इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प बात है थिंग मीन्स बात अबाउट के बारे में द मून चांद के बारे में दूसरी दिलचस्प बात है डिड यू नो दैट द मून इज लाइक अ मिरर क्या आप डिड यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं दैट मीन्स की द मून चांद इज है लाइक अ मिरर एक दर्पण की तरह लाइक मीन्स की तरह अदर अ मिरर एक दर्पण की तरह इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट सन एंड सेंड्स इट टू द अर्थ इट रिफ्लेक्ट्स मीन्स यह परावर्तित या रिफ्लेक्ट्स मीन्स दर्शाता है द लाइट मीन्स प्रकाश ऑफ मीन्स का द सन सूर्य का एंड और सेंड्स मीन्स भेजता है इट टू द अर्थ मीन्स प्रकाश को यह पृथ्वी तक भेजता है एंड और मेक्स मीन्स बनाता है मेक्स द मून चांद बनाता है द मून मीन्स चांद को लुक ब्राइट मीन्स चमकदार एंड ब्यूटीफुल और सुंदर खूबसूरत डोंट यू एग्री वी हैव अ ब्यूटीफुल मून डोंट मीन्स क्या नहीं आप मीन्स यू एग्री सहमत क्या आप सहमत नहीं है
वी हैव अ ब्यूटिफुल मीन्स, हैव मीन्स पास है, अ ब्यूटिफुल एक सुंदर, मून मीन्स चांद, वी मीन्स हमारे पास, क्या आप सहमत नहीं हैं कि हमारे पास एक सुंदर चांद है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। इंग्लिश का वर्ड टू वर्ड हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया और आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया। आई होप आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक द स्टोरी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।